सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल newTURN. फ्रेंड्स, आई होप आप सब सेफ होंगे और आप सबकी MHT-CET 2021 की एग्जाम बहुत ही बढ़िया गई होगी. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 फार्मेसी कॉलेजेस इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के टॉप 10 फार्मेसी कॉलेजेस के बारे में देखने वाले. ओके, हम कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएंगे, सारी चीजें समझेंगे. इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए कितना परसेंटेज आपको चाहिए होता है, हर चीज के बारे में देखेंगे. कितना इंटेक होता है, ओके, डिटेल में समझने वाले हैं. ठीक है, सिर्फ वीडियो को आपको अंत तक देखना है, बीच बीच में स्किप नहीं करना है. ओके, मैं फिर से आपको वीडियो के अंत में मिलूंगा ऐसे ही. ओके, फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे, कुछ मैसेज देना है आपको और वो मैसेज सुन के हम वीडियो को एंड करेंगे. ओके, और एक चीज यार, जो मुझे पहली बार देख रहे होंगे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि MHT-CET से रिलेटेड, आपके कॉलेज काउंसलिंग से रिलेटेड, कॉलेज में एडमिशन होने तक मैं आपके साथ रहूंगा, इस बात की मैं प्रॉमिस देता हूं आपको. ओके, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो. और जिन लोगों को मेरे से कॉलेज लिस्ट बनवानी होगी, ठीक है, फार्मेसी के कॉलेजेस की कॉलेज लिस्ट अगर मेरे से बनवानी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए. ओके, उस लिंक को अगर आप फिल कर देते हो तो मेरा काउंसलर आपको कॉन्टैक्ट कर लेगा 24 आवर के अंदर अंदर. ओके, और आप उस काउंसलर से पूरे एडमिशन प्रोसेस के दौरान टच में रहोगे, कुछ भी डाउट आया आप उस काउंसलर से पूछ सकते हो. ओके, सो प्लीज एनरोल कर दो, आपको एक बेटर कॉलेज मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ. ऐसे भी कुछ बच्चे थे पिछले साल जिनके कम परसेंटाइल थे, फिर भी आज वो महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं. और कुछ ऐसे भी बच्चे जिनके बहुत ज्यादा परसेंटाइल थे, काउंसलिंग नहीं की, कॉलेज लिस्ट नहीं बनवाई और आज वो घटिया कॉलेज में पढ़ रहे. ओके, तो फिर से मिलता हूं मैं आपको वीडियो के अंत में, एक मैसेज देना है छोटा सा. ओके, सो अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं. तो स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे टॉप 10 कॉलेजेस इन महाराष्ट्र, फार्मेसी कॉलेजेस इन महाराष्ट्र. ओके, ये ऐसे 10 कॉलेजेस है महाराष्ट्र के जो टॉप 10 में आते हैं फार्मेसी में. ओके, अगर इसमें आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको एक बेटर सक्सेस मिल सकती है करियर में. तो यहाँ पे मैंने जो जो आपको कॉलेजेस बताए वो कौन से बेसिस पे बताए. ओके, अभी आप पूछोगे सर आपने ये 10 कॉलेजेस कौन से बेसिस पे निकाले, तो ये 10 कॉलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल और स्कोर. ओके, आपका कितना परसेंटाइल है उसके बेसिस पे मैंने ये कॉलेजेस निकाले. सबसे ज्यादा परसेंटाइल कौन से कॉलेज को लगती है, तो वो बेटर कॉलेज होता है यार, ऑफ कोर्स इसमें कोई डाउट नहीं है. तो मैंने उसी रैंकिंग से ये सारे कॉलेजेस निकाले. ठीक है, और इनका सारी चीजें अच्छी, जितने भी यहाँ पे कॉलेजेस है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इनका फैकल्टी अच्छा होता है, कैंपस अच्छा होता है, प्लेसमेंट अच्छी होती है, सब चीजें बेटर होती है. ठीक है, इसीलिए उनका कट ऑफ इतना ज्यादा जाता है. तो मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूँ यार. पहला नंबर वन कॉलेज है महाराष्ट्र का फार्मेसी का, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी. ठीक है, पॉपुलरली नोन एज ICT. ठीक है, इसको ICT बोलते हैं, ICT मातुंगा में ही है, मुंबई में. इसकी जो परसेंटाइल जाती है, यहाँ पे देखो एग्जैक्ट परसेंटाइल नहीं है, लेकिन 99.50 से ज्यादा ही लगती है आपको. और इनटेक कितना है, सिर्फ 30 स्टूडेंट्स को इसमें एडमिशन मिल सकता है. ओके, तो आपको भयंकर स्कोर चाहिए इसमें एडमिशन लेने के लिए. देखो, मैं आपको झूठी चीजें नहीं बताना चाहता. ठीक है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहता कि हो जाएगा आपका इसमें एडमिशन. ठीक है, डिफिकल्ट है इसमें एडमिशन लेना. ओके, जो चीजें वेबसाइट पे इनकी, वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको अगर मेरे से या मेरी टीम से कॉलेज लिस्ट बनवानी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है यार, वहां से आप आपकी कॉलेज लिस्ट बनवा सकते हो. अभी आप पूछोगे कि सर कॉलेज लिस्ट आप क्यों बना के देंगे, हमें क्यों नहीं बनाने आएगी. तो देखो यार, महाराष्ट्र में इतने सारे कॉलेजेस है, आपको हर एक कॉलेज का प्लेसमेंट, उसका कैंपस, उसका फीस वगैरह सब चीजें नहीं पता होती. ओके, तो मैंने आपको गूगल फॉर्म में सर सब चीजें पूछी है आपसे कि आपको कैसा कॉलेज चाहिए. ओके, और आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग जब आपका रिजल्ट लगेगा या रिजल्ट लग गया, तब मेरी टीम आपको कॉल करेगी और आपको पूछेगी कि आपके परसेंटाइल कितने हैं, और उसके बेसिस पे आपकी कॉलेज लिस्ट बनेगी. ये कॉलेज लिस्ट कैसी होगी, ये कॉलेज लिस्ट द मोस्ट इफिशियंट कॉलेज लिस्ट होगी. इसमें आपके मार्क्स, परसेंटाइल, रैंक, कैटेगरी, सर्टिफिकेट, स्पेशल कोटा, स्टेट रैंक, OMS, सिटी कौन सी सिटी में आपको कॉलेज चाहिए. ठीक है, ये सारी चीजों को देखते हुए आपको एक बेस्ट इफिशियंट कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी. ओके, पिछले साल ऐसे बहुत सारे बच्चे थे यार जिनके 98-99% थे, फिर भी आज वो घटिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं. एक ही चीज की उन्होंने कमी कर दी, कॉलेज लिस्ट अच्छे से नहीं बनवाई. ठीक है, और ऐसे भी कुछ बच्चे थे जिनके बहुत कम परसेंटाइल थे, वो आज बेस्ट इन महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं. ओके, तो उन्होंने एक ही चीज ढंग से की, वो है कॉलेज लिस्ट अच्छे से बनाई. ओके, 50% आपका काम होता है यार एग्जाम देना, रिजल्ट देखना. ओके, और जो 50% आपका काम होता है वो कॉलेज लिस्ट इफिशियंटली बनाना. बहुत दिमाग लगता है कॉलेज लिस्ट बनाने में. ठीक है, ऐसे ही नहीं कि आपको कॉलेज ऐसे ही नहीं छाटने होते. ठीक है, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके परसेंटाइल में कौन सा बेस्ट बैठेगा उसकी एक लिस्ट बनानी पड़ती है, और वो लिस्ट हमारी एक्सपर्ट टीम बनाने वाली है. एक्सपर्ट टीम में कौन है, अभी आप पूछोगे, सारे 10 साल से काउंसलिंग कर रहे हैं ऐसे टीचर्स है हमारे पास. ओके, मैं खुद IIT JEE के लिए पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं. ओके, मैं भी उस टीम में हूँ, और लास्ट 3 ईयर से मैं खुद काउंसलिंग कर रहा हूँ, और जो टीम है वो लास्ट 10 ईयर से काउंसलिंग कर रही है. तो प्लीज़ आप इस चीज़ को देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म दिया है उसको फिल कर दो. अगर आप काउंसलिंग करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ एक बेटर कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो. ओके,
जो सेकंड नंबर का कॉलेज है वो है बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, इसमें आपकी परसेंटाइल जो है वो लगती है 99.40 से भी ज़्यादा, ओके। और इंटेक है यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स का, 100 स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। जिनका आईसीटी में नहीं लगा, ओके, वो बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी को अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें आपका नंबर लग जाता है तो आप एकदम तगड़ा पैकेज उखाड़ सकते हो 20 से 25 लाख का, ओके। तीसरा कॉलेज है हमारा पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ठीक है, जिसकी परसेंटाइल जाती है 99.2 से भी ज़्यादा, ओके, कट ऑफ सॉरी। और इनकी जो इनटेक है वो 60 स्टूडेंट का है, सब 60 स्टूडेंट इसमें है। देखो, फार्मेसी के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग के कंपेयर टू थोड़ा सा हार्ड है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं फार्मेसी हार्ड है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। देखो, इंजीनियरिंग में क्या होता है, एक कॉलेज में 7-8 ब्रांचेस होती है, ठीक है, और एक एक ब्रांचेस में 200-250 बच्चे होते हैं, ओके। कुछ मतलब ब्रांचेस होती है ऐसे, अगर कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस की 3 बैचेस होती हैं, ठीक है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में, ऐसे 3 बैचेस होती हैं, ओके। तो उसमें एडमिशन ले पाना आसान हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन फार्मेसी में ज़्यादा ब्रांचेस ना होने के कारण आपको थोड़ी डिफिकल्टी फेस करनी मिलेगी, लेकिन एडमिशन मिल जाएगा आपको। नंबर ऑफ फार्मेसी सीट्स कम होती है एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग सीट्स, राइट। जो चौथा कॉलेज आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी कराड़, ओके, इसमें आपको 99.10 से भी ज़्यादा परसेंटाइल लगेंगे और आपकी इनटेक होगी यहाँ पे 60 स्टूडेंट की, ओके। नेक्स्ट है आपका NDMVP कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नासिक का कॉलेज है, ओके, इसकी परसेंटाइल जो जाती है 98.60 प्लस और इसका इनटेक जाता है 60 स्टूडेंट का। यहाँ इस कॉलेज को मैं खुद विजिट करके आया हूँ यार, बेस्ट कॉलेज है, ओके। तो आपको इसमें भी अप्लाई करना चाहिए अगर आपका लग रहा है तो। नेक्स्ट है यार आपका प्रिम KM कुंदानी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, इसकी जो परसेंटाइल जाती है वो 98.50 परसेंटाइल जाती है, इनटेक इसका 60 स्टूडेंट का है, ठीक है। सेवन नंबर का जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी औरंगाबाद, ओके, इसके जो परसेंटाइल है वो 98.30 से भी ज़्यादा जाता है और इनटेक ही होता है इसका 60 स्टूडेंट का, ओके। स्टूडेंट, ऐसे अपडेट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सारे अपडेट्स प्रोवाइड करता रहता हूँ। नेक्स्ट है स्कूल ऑफ फार्मेसी नांदेड़, ये जो कॉलेज है इसकी परसेंटेज जाती है 98.30 प्लस और इनटेक है इसका 60 स्टूडेंट का, ओके। नाइन नंबर का कॉलेज आपका डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल नागपुर, इसकी जो परसेंटेज जाती है वो 98.30 प्लस जाती है, इनटेक है इसका 30 स्टूडेंट का, सिर्फ 30 स्टूडेंट का, ओके। नेक्स्ट जो कॉलेज है आपका DY पाटिल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ओके, इसकी जो परसेंटाइल है वो 98.10 से भी ज़्यादा जाती है और इनटेक होता है 30 स्टूडेंट्स का। तो स्टूडेंट्स, ये आपके 10 कॉलेजेस थे, ये फार्मेसी के टॉप 10 कॉलेजेस इन महाराष्ट्र है, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा इनका कट ऑफ जाता है, मतलब इसकी प्लेसमेंट भी अच्छी होती है, ओके। माना कि मैंने इनटेक इनका कम है, एडमिशन होना थोड़ा डिफिकल्ट है सब बच्चों का, लेकिन अगर आपके बेस्ट परसेंटाइल है तो आप इन कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए आपको, फार्मेसी के कौन से सिटी के कितने कॉलेजेस आपको चाहिए, ठीक है, कौन से कॉलेज का रिव्यू चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ज़रूर उसका रिव्यू डालूंगा, ओके। तो अगर आपको मैंने जो जो चीज़ें बताई वो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो यार, ठीक है, बहुत मेहनत से सारे वीडियोस बनाता हूँ, तो प्लीज़ लाइक करो और कॉलेज लिस्ट ज़रूर बना लेना। कॉलेज देखो, आप बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे अगर आप कॉलेज लिस्ट नहीं बनाओगे तो, ठीक है। चलो, आप में अगर स्किल है कॉलेज लिस्ट बनाने की तो मत बनाओ, ठीक है, आपको पता है कि हाँ, मेरे को जितने भी कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र की सबके ज्ञान है, मेरे को सबका प्लेसमेंट वगैरह सब चीज़ें मेरे को पता है, तो मैं कॉलेज लिस्ट बना सकता हूँ, उसके हिसाब से आप बना सकते हो। लेकिन उसमें भी ध्यान रखना कि OBC को इंक्लूड करना, आपकी जो कैटेगरीज है उनको इंक्लूड करना, आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होगा तो उसको इंक्लूड करना, PWD गर्ल्स कोटा होगा तो उसको इंक्लूड करना, सब चीज़ें इंक्लूड करके एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाओ। अगर नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है वहां से आप बना सकते हो, ओके। सो कैसा लगा वीडियो, आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी, टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में आपको जानने को मिल गया होगा, ओके। तो आपको अभी टॉप 10 कॉलेजेस पता लग गए। अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके बहुत कम परसेंटाइल होंगे, इतने जो टॉप 10 कॉलेजेस को जितने परसेंटाइल लगते उससे बहुत कम होंगे, तो क्या आप होप छोड़ दोगे? नहीं, आप एक बेटर वे में कॉलेज लिस्ट बनवाओगे, ठीक है। आपकी जो मार्क्स परसेंटाइल, आपकी जो रैंक है, आपको OBC है या नहीं, आपका कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो या नहीं, आपके पास कुछ सर्टिफिकेट है या नहीं, गर्ल्स कोटा है या नहीं, स्पोर्ट्स कोटा है या नहीं, ये सब चीजें देख के एक ऐसी बेटर कॉलेज लिस्ट बनाओ कि आपको एक बेस्ट कॉलेज मिल जाए। अगर आपको नहीं आता वो सब बनाना तो मैं यहाँ पे हूँ यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वो फिलअप कर दो, मैं आपको बेस्ट कॉलेज लिस्ट बना के दूंगा, ओके। मेरी टीम है यार, टीम 10 साल से काउंसलिंग कर रही है, वो आपको काउंसलिंग करेंगी, कुछ भी डाउट रहा आप काउंसलर से पूछ सकते हो, ओके। सो यही सारी चीजें थी, एक यही मैसेज था कि अगर परसेंटेज कम है तो डीमोटिवेट मत होना, ओके। अगर कम आएंगे, ठीक है, अभी तक आए नहीं होंगे बहुत सारे बच्चों के, मतलब किसी के नहीं आए हैं, जब आएगा तब काउंसलर आपसे खुद कॉल कर लेगा कि आपके मार्क्स बताओ, आपके परसेंटेज बताओ, और उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉलेज लिस्ट आपको थमा देगा, ठीक है। एक बार गूगल फॉर्म ओपन करके देखो, नहीं सही लगा छोड़ दो, ठीक है। तो जनाब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे बता दो, ओके, उस टॉपिक में मैं वीडियो बना दूंगा, ओके। सो मिलते हैं।